यूपी तो बदल रहा है, एक बड़े लेवल की इन्वेस्टर्स समिट यूपी में होने जा रही है 10 से 12 फरवरी के बीच, जिसमें करीब 40 देशों से इन्वेस्टर्स लखनऊ आ रहे हैं और पूरे यूपी को और खासकर लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बारात है जो लखनऊ आ रही है, दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया भर के कॉर्पोरेट घराने के लोग उसमें बाराती हैं और लखनऊ में बारात पहुंच रही है, जिस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 10 लाख करोड़ का टारगेट बनाया था इस समिट से पहले, वो ऑलरेडी उससे ऊपर क्रॉस हो चुका है। लेटेस्ट खबर के हिसाब से 17.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान आउट है, जिसमें से 70% समिट शुरू होने से पहले ही आ चुका है। पर हमारी खबर ये नहीं है, ये खबर तो आप हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। आज हमने ट्विटर पर एक वायरल होती खबर, वायरल होता हैशटैग देखा, यूपी गोज ग्लोबल। ये हैशटैग पूरे ट्विटर के ऊपर छाया हुआ है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसे वायरल हो जाते हैं इस टाइप के हैशटैग्स? क्या तमाम जनता एक साथ एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात करने लगती है, इसलिए ये हैशटैग वायरल हो जाते हैं, या कहीं कोई बैठी एजेंसीज हैं जो मल्टीपल लोगों से पोस्ट करा के, मल्टीपल अकाउंट से पोस्ट कराकर किसी हैशटैग को वायरल करते हैं? आइए आपको यूपी गोज ग्लोबल के संदर्भ में दिखाते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, कि बिल्कुल साफ आपको हो जाएगा कि कोई ना कोई एजेंसी है, कई सारे अकाउंट से कुछ लोग बैठे हैं जो पोस्ट कर रहे हैं ताकि कोई चीज वायरल हो सके, ताकि हैशटैग क्रिएट हो सके। आइए देखिए, ये ट्विटर का अकाउंट खुला हुआ है, यूपी गोज ग्लोबल हैशटैग, हमने उसमें उसके अंदर गए हैं और आप देखिए कि किस तरीके की पोस्ट इसके ऊपर हो रही है। ये पोस्ट किसी सत्या ने की है। The true global potential of Uttar Pradesh has been showcased in New York. New York में NASDAQ की बिल्डिंग के ऊपर उत्तर प्रदेश में 10 से 12 तारीख को हो रही इस ग्लोबल समिट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन आगे आपको दिखाते हैं और पोस्ट जो इसी हैशटैग के अंदर हो रही हैं। ये देखिए, इस डिजाइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट कौन कर रहा है? जिया खान। और जिया खान लिख रही है, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कमिटेड टू फोस्टरिंग अ वेलकमिंग and supportive atmospheres for investors from around the globe. इसमें लिखा है 25 investment friendly policies, top ranking in ease of doing business, single window portal, निवेश मित्रा, यानी यूपी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के ऊपर फोकस हो रहा है। अब ये पोस्ट एकदम वही डिजाइन है, पोस्ट कर रहे हैं एलेक्स रोड और इसमें बात हो रही है लैंड ऑफ टूरिज्म, आर्ट एंड क्राफ्ट की, यानी एक ही डिजाइन दो लोगों ने अलग अलग पोस्ट किया। और देखिए, इंडियाज एमर्जिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब, एकदम वही डिजाइन पोस्ट कर रहे हैं निक्कू। ऑल द पब्लिक ऑफ यूपी हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन सीएम योगी एंड ही इज वर्क ऑन हिज वे टू डेवलप यूपी एंड ग्रो हिज प्रोग्रेस। एक ही डिजाइन तीन लोगों के पास पहुंच गया। सुमेश जाट, वही डिजाइन, इंडियाज लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स एंड शुगर प्रोड्यूसर, ये पोस्ट कर रहे हैं। यानी कहीं के ऊपर कोई कंपनी बैठी है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं और ये पूरी कैंपेन अलग अलग अकाउंट से पोस्ट की जा रही है। नसरीन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशंस फॉर इको टूरिज्म, पोस्ट अलग है, कैंपेन वही है, सेम कलर स्कीम है, योगी जी और मोदी जी यहां दिखाई दे रहे हैं और G20 समिट का लोगो और सब कुछ, पूरी एक कैंपेन है जो अलग अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये बार बार पोस्ट किया जा रहा है। जो न्यूयॉर्क में नैसडैक बिल्डिंग के ऊपर जो एड चल रहा है, ये भी बार बार पोस्ट किया जा रहा है। और देखिए, ये मोगली के नाम से अकाउंट है और ये लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, इंडस्ट्रियल लैंड बेस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसी कैंपेन के अंदर एक और डिजाइन है, एक और पोस्ट है जो किसी और ने पोस्ट किया, द लीडिंग स्टेट विथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, सेम डिजाइन सेम पैटर्न, लेकिन मनीष धीरियान पोस्ट कर रहे हैं। ये वही पोस्ट है लेकिन दोबारा किसी और ने पोस्ट करी है और ये आयजा गुलाटी है कोई, उसके हैंडल से पोस्ट हुई है। संजीदा शेख, लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये किसी और ने पोस्ट करी यूपी गोज ग्लोबल की कैंपेन के तहत। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे नेटवर्क, राहुल जाधव,
अब ये वही पोज है लेकिन कोई और पोज कर रहा है, कृतिका। ये नई पोज है, इंडिया लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स एंड शुगर प्रोड्यूसर यूपी, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। आप ये पोज कर रहे हैं ऋषि कुमार। मोबाइल वाली हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लेकिन यहां पर पोज किया है सोनम शर्मा ने, लिखा है उत्तर प्रदेश इज कंटिन्यूअसली बिकमिंग द इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ, वेरी गुड वर्क इज बींग डन। ये भी वही मोबाइल वाली है पोज, लेकिन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वर्किंग टू मेक द मॉडल ऑफ उत्तर प्रदेश बेटर इन द होल वर्ल्ड, और पोज कर रही है कामनी। ये फिर से न्यूयॉर्क के नैसडैक बिल्डिंग के बाहर का एड, फिर से फूड ग्रेन्स और शुगर प्रोड्यूसर के ऊपर आकाश मंडल पोस्ट कर रहे हैं। ये भी फूड ग्रेन्स और शुगर प्रोड्यूसर के ऊपर है पोस्ट। राकेश भाई पोस्ट कर रहे हैं, लीडिंग स्टेट विथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। हे गाइस डोंट मिस दिस, थैंक यू सो मच, ऑल एफर्ट्स टू एवरी इन्वेस्टर्स। और कैंपेन है यूपी गोज ग्लोबल। हे गाइस डोंट मिस दैट, दिस इज अमेजिंग इनिशिएटिव, निर्मल पराशर। एक और हैंडल से पोस्ट हो रही है, टूरिज्म डेस्टिनेशन के ऊपर श्रुति रतूरी पोस्ट कर रही है, चेयरमैन ऑफ सीआई वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल सेड दैट यूपी हैज बिकम हब ऑफ सेमीकंडक्टर एंड आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज एंड द स्टेट इज कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये दो पोस्ट को एक साथ जोड़कर तनुश्री कोल्हे ने पोस्ट करा है। लैंड ऑफ टूरिज्म हम आपको दिखा चुके हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोनालिका पोस्ट कर रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कनक चौहान। एक कैंपेन है जो रन हो रही है, सिमिलर डिजाइन है लेकिन पोस्ट अलग अलग लोग कर रहे हैं। ऐसे ही आपको देखेंगे कि एकदम से एजेंसी शायद बैठी हैं जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं और वो सब एक कैंपेन क्रिएट करते हैं अलग अलग अकाउंट से, उसके ऊपर पोस्ट होना शुरू होती है और फिर आपको लगता है कि ट्रेंडिंग है। 25 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, नई पोस्ट है लेकिन वही डिजाइन है, गौरी सिंह पोस्ट कर रही है। टॉप रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्रा, ये पोस्ट भी आप देख चुके हैं, किशोर देसाई की। फूड ग्रेन्स और शुगर प्रोड्यूसर उमेश राय ने पोस्ट किया है। 6 एक्सप्रेसवेज, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मेट्रो और ऑपरेशनल इन 5 सिटीज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रपोज इन 5 सिटीज, सर्जिंग टूवर्ड्स $1 trillion इकोनॉमी। लेकिन सेम डिजाइन सेम पैटर्न, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो, लेकिन पोस्ट हरेश दुबे की। अब आप देखिए कैसे वायरल हो रहा है, कैसे ट्रेंडिंग आ रहा है कोई टॉपिक। इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अलग अलग अपने अपने घरों में अपने अपने ऑफिस में बैठकर किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ उनको सबका मन हो गया कि हम सब इस सब्जेक्ट के ऊपर आज बात करेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हों जैसे टर्की सीरिया अर्थक्वेक, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे होंगे क्योंकि इसमें किसी के पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बॉलीवुड की फिल्मों की ट्रेंडिंग होते हैं या और फिल्मों का, जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। या ये देखिए, इस तरीके की पूरी एजेंसीज हैं जो आपके ऊपर साफ हो सकता है कि वो जो है इन कैंपेन्स को रन कर रहे हैं। अब जब इतनी सारी पोस्ट होंगी, घुमा घुमा कर होंगी, अलग अलग लोगों के अकाउंट से होंगी, एक अकाउंट नहीं है, सेम पोस्ट सुजाता भी कर रही है, सेम पोस्ट किसी और ने पहले करी, यहां पर सेम पोस्ट जो पहले हो चुकी है वो अविनाश कुमार मिश्रा के अकाउंट से हो रही है, ये पोस्ट भी पहले हो चुकी है दीपाली बाइसा के अकाउंट से हो रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की ये मुकेश RP17 के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से हो रही है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इको टूरिज्म ये जानवी के अकाउंट से हो रही है पोस्ट, फेवर डेस्टिनेशन फॉर इको टूरिज्म ये रिया के अकाउंट से हो रही है पोस्ट, ये राजेश के अकाउंट से एक्सप्रेसवे नेटवर्क की, लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क की पोस्ट हो रही है, ये रिया भारती के अकाउंट से हो रही है, प्रीफर्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया। और आप देखते चले जाइए ये कैंपेन ऐसे रन कर रही है और ऐसे ट्रेंडिंग चल रही है।
अब यहां के ऊपर देखिए, ये पोज जो है किसी बाहर से हुई है, जब कैंपेन चल रही थी तो किसी ने जो है दो एक दो पोज और कर दिए, वरना ये आप देख सकते हैं कि एक डिजाइन, एक पैटर्न, एक कलर स्कीम और कैंपेन चल रही है, और हम और आप समझ रहे हैं कि पूरा यूपी इस ट्रेंडिंग ट्विटर पोस्ट के ऊपर बात कर रहा है।